नमस्ते, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया, मैं हूं आरती। उदयपुर में अब भी जारी है कन्हैया लाल की हत्या का विरोध। हनुमान चालीसा का पाठ और सड़कों पर जन सैलाब, जाने कैसे हो रहा है कन्हैया लाल की हत्या का विरोध। उदयपुर के एडिशनल डीजीपी दिनेश एमएन ने शहरवासियों में शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग अफवाहों से भ्रमित ना हो, कोई भी समस्या हो तो प्रशासन और पुलिस से बात करें। अजमेर में रविवार को आधे दिन का बंद रखा गया। व्यापारिक एसोसिएशन दिन भर के बंद के पक्ष में था, लेकिन युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए बंद को दोपहर 12 बजे तक ही रखा गया। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने भी बंद बाजारों का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। वहीं नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने भी बाजारों का दौरा किया। सकल हिंदू समाज की ओर से राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर का एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कल बूंदी रहेगा बंद। कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में कोटा संभाग में कई कस्बे बंद रहे। विभिन्न धार्मिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों ने बंद का आह्वान कर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। 12 जिले के अट्रू कावई कस्बा रविवार को बंद रहा। झालावाड़ के सुनेल, सरौला, पनवाड़ और दहीखेड़ा कस्बे में भी बंद का असर दिखाई दिया। इसी क्रम में सोमवार को बूंदी शहर और 12 जिले का मांगल रोल कस्बा बंद रहेगा। प्रशासन की पूरी तरह से मुस्तैद है कि इस बंद के दौरान कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। प्रदर्शन के दौरान गहलोत सरकार पर बरसे लोग। जयपुर में सर्व हिंदू समाज की ओर से एक बड़ा सामूहिक प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में संत और हिंदू समाज से लोग जुटे। प्रदर्शन में वक्ताओं ने गहलोत सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया। वहीं हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया। प्रदर्शन में लोग भगवा झंडा लेकर शामिल हुए। इस दौरान जय श्री राम का के नाम का उद्घोष हुआ। इसके साथ ही मदरसे बंद करो, पीएफआई पर ताला, राजस्थान का तालिबानीकरण बंद हो जैसे नारे लगे। बड़ी संख्या में साधु संत भी सभा में पहुंचे और जिन्होंने हिंदुओं को एकत्रित करने पर जोर भी दिया। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों के आतंकी कनेक्शन होने पर भाजपा को निशाने पर लिया है। यादव ने एक हत्यारे को भाजपा का कार्यकर्ता होने के साथ उसे नेता प्रतिपक्ष का पोलिंग एजेंट तक रहने का दावा किया है। अब आगे ये देखना है कि कन्हैया लाल को आखिर कब तक इंसाफ मिलता है और क्या रूप लेता है ये हत्याकांड उदयपुर और भारत के अन्य जगहों पर। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।